शास्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, दीन भी हुसैन है, दीन को पनाह देने वाले भी हुसैन हैं। सरदाद नदा दस्त दर दस्त यजीद, सर दे दिया मगर नहीं दिया अपना हाथ यजीद के हाथ में, हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। हकीकत तो ये है कि ला इलाह इल्लल्लाह की बुनियाद ही हुसैन है। बादशाह हुसैन हुसैन, बादशाह हुसैन। यहाँ पे हाज़िरी के लिए आज इनसे बाइतफाक़ मुलाकात मेरी हो गई है। इस दौरान क्या कहिएगा, मुहर्रम की 7 तारीख है और हमारे अकबरपुर रोहतास में मुहर्रम शरीफ होता है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ होता है, क्या कहेंगे आप? मुहर्रम शरीफ के बारे में एक तो बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कोई त्यौहार नहीं है। मदीने के लोग कहते थे कि जब इमाम सज्जाद, जो हमारे चौथे इमाम हैं, इमाम हुसैन के साहबजादे, उनके घर से रोने की आवाज़ आती थी तो लोग समझ जाते थे कि मुहर्रम का चांद दिख गया। तो ये बड़ा अदब और बड़े गम के साथ मनाने का त्यौहार है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ हुसैन की फजीलत, हुसैन की मसायब, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब वक्त के बादशाह हिंदुस्तान के बड़े से बड़े बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज के पास पैदल जाते थे अपनी जो भी उनकी वहाँ पर ज़रूरत होती थी, उस शहंशाह के पास जाते थे और वो शहंशाह इमाम हुसैन के लिए ये बोलता है कि दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, जबकि हमें पता है कि दीन अल्लाह का है और अल्लाह ही दीन की हिफाजत करने वाला है, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज जब कह गए कि दीन अस्त हुसैन, हुसैन ही दीन है और दीन की हिफाजत करने वाला भी हुसैन है, तो हम सब तमाम मोमिन, तमाम दुनिया के मोमिन जो इसको गम को और बड़े अदब के साथ मनाते हैं, तो हम लोगों को भी उसी तरह ये अदब और गम के साथ इमाम हुसैन की फजीलत और उनके मसायब को बयान करते हुए 10 दिन गुजारना चाहिए। इस 10 दिनों में अपने को ऐसा रखना चाहिए कि हमारे घर में मौत हुई है और हम उस सदमे से गुजर रहे हैं, तो कोई ऐसा खुशी का इजहार ना हो, कोई आपसी तलखी ना हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ हुसैन हो और हुसैन हो या हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया ताजिक बाहू से हमारी बात हुई थी तारीख साहब से, जो कि बहुत ही अच्छी बात बताई कि ये गम कैसा गम है, ये त्यौहार नहीं है, खुशी का त्यौहार नहीं है। त्यौहार तो ईद मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, मुहर्रम शरीफ जो है गम का महीना। उन्होंने हवाला भी दिया कि हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम के जब घर के आवाज़ उनके घर से आवाज़ आती थी, लोग जान जाया करते थे कि मुहर्रम शरीफ का महीना आने वाला है, तो हम भी उसी तरह से इस माह में रहें और मुहर्रम का अदब करें। अगर आप हमारे चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में या हुसैन लबैक या हुसैन लिखना ना भूलेंगे। शुक्रिया।